तो आज आपको ऐसी टीवी एक्सेस से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत 5 साल की उम्र से की थी और हाल ही में पटियाला बेब्स में काफी फेमस कैरेक्टर हुआ है मिनी का। तो आपको मिनी से मिलवाते हैं, यानी कि एक्टर अशरूर कौर से। उनसे लॉकडाउन के बारे में भी बातचीत करेंगे और उनके सफर के बारे में भी बातचीत करेंगे। अशरूर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी एनआरआई पे। तो थैंक यू। फर्स्टली, लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? आप क्या कुछ कर रहे हो लॉकडाउन में? एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है लॉकडाउन में? वेल, लॉकडाउन में तो पहले कुछ दिन मैंने बहुत रिलैक्स किया, क्योंकि यूजुअली यू नो आप जब शूट करते हो तो काफी बैक टू बैक टायरिंग हो जाता है, रोज रोज 12 घंटे शूट करना। उसके बाद ना ट्राई टू मेक दिस लॉकडाउन प्रोडक्टिव। मैंने वो चीजें ट्राई की जो मैंने पहले कभी की नहीं थी। आई ट्राइड कुकिंग, देन मैंने अपना हार्ड स्केचिंग पे ट्राई किया, तो आई हैव स्टार्टेड ड्राइंग दीस डेज। तो ड्राइंग करना मैंने स्टार्ट किया, और फिर फर्स्ट हाफ में जो है अभी अप्रैल ऑनवर्ड्स मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी 12th की। तो आधा दिन उसमें निकल जाता है, और फिर शाम को कभी ट्यूशन क्लासेस होती है, कभी मैं स्केचिंग करती हूँ, और सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करती हूँ। 1 घंटा का वर्कआउट होता है मेरा मम्मा के साथ, और मम्मा की हेल्प करती हूँ घर का काम करने में। तो कुकिंग, जैसे कि आपने बताया आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग में क्या कुछ बनाया आपने? अपने कुछ फेवरेट डिश बनाने का चांस मिला हो लॉकडाउन में? यस, कुकिंग में मैं एक्चुअली वो चीजें सीख रही हूँ जो हम इजिली यू नो जो यंगस्टर्स होते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं वो इजिली अपने पेरेंट्स को बिना डिस्टर्ब किए बना सकते हैं। तो मैंने कॉफी लाइट ऑब्वियसली सबको आती है। फिर मैंने आई ट्राइड हाफ फ्राइड एग, हाफ फ्राई बनाना सीखा। उसमें एक्चुअली मुझे काफी 2-3 ट्राई लगे, वरना मेरा योग जो है वो टूट जाता था। वो फाइनली फिर 3rd ट्राई में जो है वो प्रॉपर आया। तो हाफ फ्राइड सीखा है, आई हैव लर्नड हाउ टू मेक चिया ड्रिंक, फिर टोस्ट, पैनकेक्स बनाने सीखे मैंने। तो यस, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं सीख रही हूँ चीजें। तो आपके टीवी के सफर की बात की जाए, आपने 5 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था अपना करियर, इतनी छोटी उम्र में, जब बच्चा मतलब ठीक से उसको कुछ पता भी नहीं होता, उस दौरान आपने टीवी में एंट्री की, तो वो एक्सपीरियंस कितना खास रहा? आपने पराची का कैरेक्टर भी किया, ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा, मैंने उसके बाद बैक टू बैक हिस्टोरिकल ड्रामास, महाभारत हो या शोभा सोमनाथ की हो, कैसी रही जर्नी टीवी की? बहुत अच्छी रही जर्नी। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया था तो आई डिडंट नो व्हाट आई एम एग्जैक्टली डूइंग, बट ये था कि हाँ मुझे मजा आ रहा है जो भी मैं कर रही हूँ इसमें। तो ज्यादा तो कुछ याद नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली 10-11 साल पहले की बात है, बहुत छोटी थी मैं उस टाइम। बट आई डू हैव सम हेजी मेमोरीज एंड आई रिमेम्बर मैं हमेशा आई वाज द पैम्पर्ड वन ऑन सेट, सब लोग प्यार करते थे ऑब्वियसली क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो लाडली रही हूँ स्टार्टिंग से, और बहुत मजा आया है जो भी मैंने किया है। जो स्टार्टिंग से जर्नी रही है हिस्टोरिकल से लेके माइथोलॉजिकल शोज, फिर डेली सोप, लवर तुम, फिर डिफरेंट डिफरेंट शोज, बी टीवी शोज, एड्स, मूवीज, संजू मनमज्जा जो भी की थी। तो बहुत प्यारी जर्नी रही है। तो आपने एंजॉय किया कि इस जर्नी के दौरान एज एन एक्ट्रेस, अगर बात करें तो, जैसे आपने अलग अलग जॉनर्स के सीरियल्स की हिस्टोरिकल भी किया, फैमिली ड्रामा भी किया, विच इज योर फेवरेट जॉनर? अरे यार, ये तो बड़ा टफ है, बिकॉज एक्चुअली एवरी जॉनर उसकी एक अपनी खासियत होती है यार, आप ऐसे चूज नहीं कर सकते। एंड आई गेस एज एन एक्टर आपको हर जॉनर एक्सपीरियंस करना चाहिए, हर जॉनर एंजॉय करना चाहिए, और मैंने भी हर जॉनर एंजॉय किया है। बट आई वुड लव टू डू समथिंग फैंटेसी में, यू नो थोड़ा जो डिज्नी डिज्नी टाइप का होता है। सो आई एम अ डिज्नी गर्ल, आई लव डिज्नी, तो डिज्नी जॉनर वुड बी माय फेवरेट। आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट। पराची का जो कैरेक्टर आपने किया था वो कितना स्पेशल रहा था आपके लिए? बहुत स्पेशल रहा था ऑब्वियसली। आपकी जो पहली चीज होती है जो भी आप करते हो वो हमेशा स्पेशल ही रहती है, एंड ऑब्वियसली झांसी की रानी द कैरेक्टर प्राची हमेशा बहुत स्पेशल रहेगा मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी बिगनिंग थी, जहाँ से मुझे एक एंट्री का चांस मिला इस इंडस्ट्री में, अपने पैशन को ढूंढने का चांस मिला। और ज्यादा मेमोरीज तो जैसे मैंने अभी बोला है नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बट हाँ आई रिमेम्बर बहुत मजा आता था, क्योंकि हम बाहर जाते थे, वी यूज्ड टू शूट इन आमगांव अपने घर से दूर, सो वी ऑल यूज्ड टू स्टे इन अ होटल, और उधर होटल में यू नो जब भी आप आउटडोर शूट करने जाते हैं तो टीम आपकी फैमिली बन जाती है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा रहा, इतना प्यार मिला उस टीम से, कि वो बोलते हैं ना शुरुआत अच्छी होती है तो पूरी जर्नी अच्छी होती है। किसी तरह का चैलेंज फेस करना पड़ा स्नूर को इस जर्नी के दौरान? लगा कि मुझे अभी चैलेंज लग रहा थोड़ा बहुत, या ज्यादा क्या लग रहा? चैलेंज 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 एक्चुअली चैलेंज तो हर दिन ही होता है,
चाहे एक्टर के लिए हो या नॉर्मल स्टूडेंट के लिए हो, डॉक्टर के लिए हो, किसी भी प्रोफेशन में हर दिन एक नया चैलेंज होता है. एंड हमारी इंडस्ट्री में तो स्पेशली हर दिन आपको एक डिफरेंट सीन करने के लिए मिलता है. एक सेकंड, वन सेकंड. चैलेंज जैसे आपने बताया हर दिन नया चैलेंज होता है एक्टर के लिए, कहीं ना कहीं लगा हो कि मैं कोई भी ये मूवी करूं, जैसे आपने मनमर्जी भी की, इसमें किरण बग्गा का कैरेक्टर था, अलग जॉनर ट्राई किया आपने, टीवी प्लस बॉलीवुड, इंजॉय किसमें मिला, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है एक्टर को कि मैंने टीवी भी किया है बॉलीवुड भी किया है, कहीं ना कहीं लगा कि ज्यादा सेटिस्फेक्शन टीवी से ज्यादा बॉलीवुड में है, क्योंकि टीवी में एक बाउंड्री होती है, आप बन जाते हो, और फिल्म में एक फ्रीडम होता है कि हम अपनी आराम से स्क्रिप्ट करते हैं फिर हम फिल्म करते हैं. ऐसा कुछ फील हुआ कभी आपको? ऐसा फील कभी हुआ नहीं, क्योंकि दोनों के अपने अपने मजे हैं शूट करने में, बॉलीवुड में और टीवी में, तो मैं एज सच ऐसे कोई एक चूज नहीं कर सकती. बट हाँ, उसमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था बॉलीवुड में, तो मुझे बहुत मजा आया था. यू नो, स्पेशली वर्किंग विद सच बिग पर्सनालिटीज, राजकुमार हिरानी सर थे, अनुराग कश्यप सर थे, तो बहुत मजा आया था उसमें. दोनों के अपने अपने मजे. तो शुरू आपने आगे नहीं सोचा कि आगे भी कोई बॉलीवुड मूवी की जाए? अभी आपका टीवी भी फोकस है, आगे नहीं मन में ख्याल है कि मैं मनमर्जी के बाद कोई ऑफर आता अगर आपको किसी मूवी का, तो आप किस तरह का कैरेक्टर अपने ऑडियंस के लिए, फैंस के लिए करना चाहोगे फिल्मी पर्दे के लिए, चाहे वो? I would love to do it. कोई अच्छा स्टोरी लाइन हो, अच्छा कैरेक्टर, पावरफुल कैरेक्टर हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, तो मैं जरूर करना चाहूंगी. मींस किस तरह का करना चाहोगे, कुछ माइंड में सोचा होगा? कि हिस्टोरिकल तो आपने कर लिया ऑलरेडी, बॉलीवुड के लिए कोई कैरेक्टर सेट किया होगा माइंड में, मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, चाहे वो किसी की बायोपिक हो, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ कैरेक्टर लाइक? वेल, मुझे हमेशा से एक डिज्नी वॉरियर प्रिंसेस का कैरेक्टर करना था, तो कुछ वैसा मिले तो दैट वुड बी लाइक माय ड्रीम रोल. तो अभी पटियाला वेव्स की बात करते हैं, आपका कैरेक्टर काफी पसंद किया जा रहा है मिनी का, आपने उसमें क्या चीज ऐसी एंजॉय की, क्या चीज उसमें आपको एक इमोशनल किया आपको उस चीज में, उस कैरेक्टर के दौरान, और अनिरुद्ध हुनर और आपकी बेब के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? व्हिच इज योर फेवरेट कोएक्टर? वो कैरेक्टर ने मुझे काफी कुछ दिया है, और वो कैरेक्टर प्ले करने में बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि मिनी एंड अस्टुरा टोटली द सेम. और अगर आप बात करें अनिरुद्ध भैया हुनर दी के साथ काम करने की, परिधि दी के साथ काम करने की, तो दी इंटायर कोस्टार टीम, हम एक्चुअली एक फैमिली बन गए थे. तो ऐसा लगता नहीं था कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप काम के दौरान ही इतना मजा भी करते थे, इतनी मस्ती करते थे, सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. तो फिटनेस को कितना टाइम दे पा रहे हो आप लॉकडाउन के दौरान? फिटनेस को तो अभी टाइम मिल रहा है, एक्चुअली अभी हर किसी चीज को टाइम मिल रहा है लॉकडाउन के दौरान. सो यस, मैं डिवाइड करती हूँ, मम्मा और मैंने साथ में मिलकर एक टाइम टेबल बनाया है कि कितना टाइम किस चीज को देना है, तो उस हिसाब से फॉलो करते हैं. तो अश्नूर, आपका फेवरेट कोएक्टर कौन रहा इंडस्ट्री में, जिनके साथ भी काम किया जाए, वो अनिरुद्ध दवे हो या विक्रमजीत विर्क हो, शोभा सोमनाथ की, विच इज योर फेवरेट? लगा कि एक्सपीरियंस के साथ मुझे मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, कि मेरा एक बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है. हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे माँ अपने बच्चों में से किसी बच्चे को नहीं चुनाव कर पाती कि ये मेरा बच्चा सबसे प्यारा है, ये उस तरीके की थोड़ी सी एग्जाम्पल, लेकिन फिर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे कि बेस्ट एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका, अनिरुद्ध दवे के साथ या विक्रमजीत विर्क के साथ? ये कोई नहीं बताएगा, चूज वन ऑफ देम, क्योंकि टच विद सारे को एक्टर जिनके साथ भी काम किया है बहुत अच्छे रहे हैं, और वही चीज हो जाती है कि इतने सारे लोग होते हैं उसमें से आप किसी एक को चूज नहीं कर सकते हो. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपके लिए? सॉरी, इंटरेस्टिंग फैक्ट यस, टीवी में इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है आपके लिए, मतलब क्या चीज? एक स्ट्रगलिंग पीरियड भी आता है इंसान की लाइफ में, वो हर एक को गुजर के जाना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट होता है कि ये मेरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है टीवी के लिए या बॉलीवुड के लिए, ऐसा कुछ? इंटरेस्टिंग फैक्ट, I'm sorry, I didn't get your question. मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया. टीवी इंडस्ट्री में आपने जो सबसे बेस्ट चीज आपके लिए रही है, बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है, या बेस्ट एक स्पेशल मोमेंट रही आपके लिए, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री फैमिली की तरह होती है, उसमें आपने इंटरेस्टिंग चीज क्या फाइंड आउट की है एज एन एक्टर? एज एन एक्टर कोई इंटरेस्टिंग चीज,
हाँ, आई गेस इंटरेस्टिंग चीज एक ये हो सकती है कि जो एक्टर्स जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही हो. कई बार ऐसा भी होता है कि जो कैरेक्टर्स प्ले किए जाते हैं उससे एकदम ऑपोजिट होते हैं. जैसे हुनर दी ही ले लो आप, हुनर दी का कैरेक्टर थोड़ा ग्रे था इन द शो, लेकिन ऑफ स्क्रीन शी इज सो स्वीट, शी इज सो नाइस, और बहुत बहुत प्यारी पर्सन है. तो वही चीज हो जाती है कि कॉन्ट्रास्टिंग भी हो सकते हो आप ऑन एंड ऑफ स्क्रीन. तो दिस इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. तो मिनी के कैरेक्टर से क्या सीखने को मिला लाइफ में, कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बेनिफिशियल हो? इस कैरेक्टर से क्या सीखा? हर एक किरदार से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. इस किरदार ने क्या सिखाया आपको? मिनी क्या कैरेक्टर ने यही सिखाया मुझे कि कुछ भी हो लाइफ में, चाहे आप कितनी बार भी हारे, आपको हमेशा स्ट्रगल करते रहना चाहिए, फाइट बैक करते रहना चाहिए. अगर आप कभी हारो या गिरो तो आपको वापस उठ के खड़े होना चाहिए एंड जो आपको चीज चाहिए उसके लिए फाइट करते रहना चाहिए. Any idol, any inspiration इस फील्ड में आने के लिए? I guess just focus on yourself, focus on your passion, और जब तक आप अपने आर्ट से, अपने पैशन से ट्रू हो, तो ही आप लोगों को यू नो कन्विंस कर पाओगे. And acting is all about convincing others about your situation, about your environment and your surroundings. तो अश्नूर, टीवी में एज एन एक्ट्रेस ट्रेंड वाइज आपने और क्या चेंज देखा है टेक्नोलॉजी के अलावा, और क्या क्या बदलाव नजर आए आपको टीवी इंडस्ट्री में, अभी का जो टीवी का माध्यम है, जो मीडियम है? काफी चेंजेस है एक्चुअली इन दिस डिकेड, चाहे वो टेकिंग डायरेक्शन वाइज हो, चाहे एक्टिंग वाइज भी हो. पहले हम थोड़ा एक टिपिकल एक्टिंग पैटर्न था, अभी हम थोड़ा और नेचुरल वे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ी और सेटल एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं. एंड ऑब्वियसली हर जॉनर का तो अपना अपना चीजें होती हैं. पहले जो हिस्टोरिकल सेट्स थे हम एक्चुअली बाहर आउटडोर शूट करने जाते थे, माइथोलॉजिकल होते थे, हम बाहर शूट करने जाते थे आउटडोर में. लेकिन आजकल सब क्रोमा पे होता है एंड इंटीरियर सेट्स होते हैं, एसी, एयर कंडीशन हॉल्स जिसके अंदर आप कंफर्टेबली शूट कर रहे हो. तो काफी चीजें बदली हैं इस दौरान. तो एक्टिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज और क्या क्या करना पसंद है आपको एक्टिंग के अलावा? I like reading books. मुझे books पढ़ना बहुत पसंद है. आजकल मैंने sketching भी start की है, तो मैं sketch कर रही हूँ आजकल. और पंजाबी है तो obviously dance तो खून में है ही. Okay, मतलब पंजाबी भांगड़ा भी कर लेती हो आप? अभी मैं करके नहीं दिखाऊंगी, वो मत बोलना. So, कौन सी favorite book जो पढ़ने का मौका मिला आपको lockdown में? All time favorite book जो पहले पढ़ने का मौका ना मिला क्योंकि शेड्यूल टीवी का बहुत हैक्टिक होता है, बहुत बिजी होता है, अब वो बुक पढ़ने का चांस मिला हो. एक्चुअली एक बुक थी जो मैंने एक साल पहले ली थी एंड मैंने काफी टाइम उसे यू नो स्टार्ट करने का ट्राई किया, दैट आई फिनिश दैट बुक. इट इज ऑल द ब्राइट प्लेसेस बाय जेनिफर डिवेन और इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स. तो मुझे वो काफी टाइम से पढ़ने का शौक था क्योंकि उसकी एक उस पर एक मूवी भी आई है. तो बिफोर वॉचिंग द मूवी मुझे एक बार वो बुक पढ़नी है. तो अब फाइनली लॉकडाउन में मुझे टाइम मिला है कि मैं वो बुक पढ़ पाऊँ जो मैंने एक साल पहले ली थी, बट पढ़ने का टाइम नहीं मिला. टीवी इंडस्ट्री में कंपटीशन अशूर बहुत बढ़ चुका है, हर तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है. किस तरह के कंपटीशन में बिलीव है आपका? कोई कंपटीटर है जिसको आप कंपटीटर मानते हो इंडस्ट्री में? जैसे मोस्टली यही बोलते कि मेरा तो खुद से कंपटीशन है, हर एक का जिसका भी जिससे बात करो यही बोलते कि मैं हेल्दी कॉम्पिटिशन में बिलीव है, मेरा खुद से कॉम्पिटिशन है. आपका कोई कॉम्पिटिटर है? इज देयर एनी कॉम्पिटिटर? आई एम माई ओन कॉम्पिटिटर और मेरा यही बिलीव रहता है कि जो मैं कल थी उससे थोड़ा और बेटर मैं आज हूँ. तो एवरी डे यू कीप प्रोसेस प्रोग्रेसिंग, यू कीप लर्निंग एंड आप खुद से कंपटीशन करते रहिए. और रियल लाइफ में किस तरह का सिनेमा पसंद है आपको अगर बात की जाए तो? आई लव करण जौहर मूवीज. आई एक्चुअली लव द स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप ऑफ मूवीज. बहुत पसंद है द टीनेज हाई स्कूल ड्रामा बिकॉज ऑब्वियसली नाउ आई एम इन दैट स्टेज. तो जो यू नो आप जिस चीज से एक्चुअल लाइफ में कनेक्ट कर पाते हो आपको वो चीजें पसंद आती है. अशनूर, अब तक जितने भी कैरेक्टर्स आपने प्ले किए टीवी के चाहे बॉलीवुड के, कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको लगा कि ये मेरा ड्रीम रोल है काइंड ऑफ? शोभा सोमनाथ की मैं आई प्लेड अ वॉरियर प्रिंसेस शोभा. उस टाइम मैं 6 साल की थी एंड द स्टोरी वाज अबाउट हाउ दिस लिटिल प्रिंसेस टर्न्स इनटू अ वॉरियर. वो कैसे सोमनाथ टेम्पल को गजनबी से बचाती है. तो उसमें घुड़सवारी थी, स्वॉर्ड फाइटिंग थी.
which you can say is my was one of my dream roles. एक वॉरियर प्रिंसेस प्ले करना, लाइक आप प्रिंसेस भी हो, आपके हाथ में पावर भी है, ब्यूटी भी है, लेकिन आप साथ में अपनी स्किल्स भी यूज कर रहे हो फिजिकली अपने किंगडम को बचाने की कोशिश भी कर रहे हो. टीवी इंडस्ट्री में आने के लिए लुक्स के अलावा और कौन कौन सी चीजें मायने रखती हैं? आई गेस लुक्स आर नॉट एवरीथिंग दैट मैटर स्पेशली दीस डेज. इट्स योर टैलेंट, आपका टैलेंट मैटर करता है, आपकी जो इच्छा है, आपका पैशन है, वो मैटर करता है. और आप आपका हार्ड वर्क, ऑब्वियसली हार्ड वर्क के बिना आप कहीं नहीं पहुंच सकते हो. तो योर पैशन, डेडिकेशन एंड योर हार्ड वर्क. तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिलता आपको, कौन सा कैरेक्टर करना चाहोगे जो अभी तक किसी ने ना किया हो टीवी में? डिज्नी वॉरियर प्रिंसेस. उसके अलावा? दैट्स माय ड्रीम रोल. ड्रीम रोल एक ही होता है आपका, तो वो मेरा एक रोल है, वो एक्चुअली कभी किसी ने किया भी नहीं है. सो इट्स समथिंग न्यू even for the Indian entertainment industry. तो एक new चीज को explore करने में मुझे काफी मजा आएगा. Dream director would like to work with him. Dream? Director. Director, I've already worked with such great director. I've worked with Anurag sir, Rajkumar Hirani sir. And in future, actually, I would love to work with all the amazing directors that we have in our Indian cinema. अश्नूर, आप अपनी जर्नी से सेटिस्फाई हो? वैसे सेटिस्फाई तो कोई भी नहीं होता फील्ड कोई भी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि और खुद को पॉलिश, इम्प्रूव किया जा सकता है. इम्प्रूव तो पूरे प्रोसेस में चलता ही रहता है. अगर आप अभी लेजेंडरी अमिताभ बच्चन सर से भी पूछेंगे, सो इवन ही इज अ लर्नर, ही आल्सो लर्न्स एवरी डे, एंड हर कोई हर रोज लर्न करता है. सेटिस्फाई होना चाहिए आपको, आप जिस मंजिल तक पहुंचे अपने हार्ड वर्क से, लेकिन लर्निंग आपकी कभी नहीं रुकती. कुछ हटके करने का अगर चांस मिलता है एक्टिंग के अलावा, टीवी से हटके क्या करना चाहोगे आप, कोई ऐसी चीज? I actually I have my inspiration is Priyanka Chopra. I really look up to her, and she won the Miss World title, so I would love to participate in beauty pageants. तो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो इस साल 12th है, तो इस साल कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट नहीं लेना, एटलीस्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स, क्योंकि बोर्ड है इस साल, तो स्टडीज पे भी कॉन्सेंट्रेट करना है. अब आगे देखते हैं कहाँ डेस्टिनी लेके जाती है. कहीं ना कहीं लगता है जो टीवी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री उसमें बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, वो घर पे बैठे हैं, नए नए फेसेस आ रहे हैं टीवी में, ऑडियंस देख रही है, एंजॉय कर रही है. कहीं ना कहीं लगता है कि जो अच्छे एक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है, नए एक्टर्स आ रहे हैं उनकी वजह से उनका जो एक ऑरा है वो कहीं ना कहीं लगता है कि खत्म होता जा रहा है, क्योंकि उनको चांस नहीं मिल रहा टीवी पाने का. नए नए चेहरे आ रहे हैं, ऑडियंस उनको देख रही है, उनको एंजॉय कर रही है, वो एक्टर्स की वैल्यू कहीं ना कहीं लगता है कि कम हुई है. I won't say एक एक्टर की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपका आर्ट है वो बोलता है, आपका वर्क बोलता है, और कभी किसी एक्टर की या कभी किसी आर्ट की वैल्यू कम नहीं हो सकती. बस ये है कि लोगों के टेस्ट चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट जॉनर्स आते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों के टेस्ट बदल रहे हैं. बट हाँ ये है कि आजकल के जो मेन स्ट्रीम जॉनर्स हैं उसमें नए नए फेसेस देखने को मिल रहे हैं, वरना अगर आप देखो तो उस हिसाब से हमें लगता है कि अरे वो एक्टर तो काम नहीं कर रहा होगा, पर ऐसा नहीं है, वो हमारा टेस्ट बदलता है और हमारी चॉइसेस बदलती है. तो आप ब्रांड कॉन्शियस, जैसे मोस्टली सेलेक्ट को देखा गया वो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, एनी फेवरेट ब्रांड आपका कोई? I'm not actually brand conscious. मेरा कोई favorite ऐसा brand नहीं है. I keep trying different things. मुझे variety बहुत पसंद है. तो किसी चीज़ में मेरा एक particular favorite brand नहीं होता. कोई TV industry? मैं और मम्मा जाएंगे तो हम पूरा mall घूम के आएंगे. हम सिर्फ एक particular shop में नहीं जाएंगे, because we love to explore. कोई TV industry में आपका best friend, जिसको आप सबसे अच्छा दोस्त मानते हो अपना TV में? सबसे अच्छा दोस्त मेरा TV में? Janet is a very good friend of mine. और मेरी एज में मेनी पीपल, एक्चुअली मैं एक का नाम नहीं ले सकती हूँ, ऑल ऑफ देम एक्चुअली, हमारा एक पूरा गैंग है फ्रेंड्स का, और सारे जो चाइल्ड एक्टर्स थे हम सब साथ में बड़े हुए हैं, तो एज सच ऑल ऑफ अस आर वेरी गुड फ्रेंड्स. रियान इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी कोई मेमोरी जो अब जब फ्री बैठे एकदम माइंड में आती है, वो जुड़ी मेमोरी?
हाँ कोई मेमोरी, मतलब लॉकडाउन में अभी आप स्कूल को मिस कर रहे हो, उसकी उस दौरान कोई मेमोरी जो फ्रेंड्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो? 10th के बिगनिंग में हमारा एक कैंप होता है व्हिच इज कॉल्ड द राइन टीम कैंप, और उसमें वो हमें दमन लेके जाते हैं. सो इट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने बिना पेरेंट्स के ट्रैवल किया था, सिर्फ हम सारे फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली टीचर्स हमें सुपरवाइज करने के लिए थे. एंड वी वर ओवर देयर इन दैट होटल फॉर 4 days 3 nights, और उधर हमने बहुत मजे किए थे. वी यूज्ड टू हैव डीजे नाइट्स, पर्सनालिटी पेजेंट्स भी थे हमारे, जिसमें आई वॉन द राइन प्रिंसेस अवार्ड. तो भी ऑडियंस हमेशा ही एक्साइटेड रहती है कि उनका जो फेवरेट सीरियल है पटियाला बेब, उसमें आगे क्या होगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सब कुछ रिपीट मोड पे आ रहा है. तो जब लॉकडाउन खत्म होता है होगा, तो उसमें इंटरेस्टिंग ट्विस्ट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? वो ऑडियंस जानना चाहेंगे कि पटियाला बेब में आगे क्या होने वाला है, मिनी की लाइफ में क्या होने वाला है आगे. आपको अपडेट होने की जरूरत है, आपने न्यूज नहीं पढ़ी, यू आर नॉट अपडेटेड. पटियाला बेब्स इज गॉन ऑफ एयर. ओके, तो जाते जाते आप एंडिंग करते जाइए अपने फैंस के लिए कुछ पटियाला वेब्स या कोई भी सीरियल का डायलॉग. कोई डायलॉग? क्योंकि एंडिंग तो करनी पड़ती है उसकी. डायलॉग बैस्ट यही कहना चाहूंगी, बिकॉज मिनी एंड अश्नूर टोटली द सेम. तो जैसे अश्नूर बोलती है वैसे मिनी भी बोलती है. वैसे ऐसे प्रॉपर डायलॉग डायलॉग बोलने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता डायलॉग. बट मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगी कि बेब ये तेरी लाइफ है, उड़ जा, पंख खोल एंड जस्ट रन आफ्टर योर ड्रीम्स. तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कनेक्टिंग विद मी, और बहुत मजा आया आपसे बात करके. तो ये थी मेरे साथ टीवी एक्ट्रेस अश्नूर कौर, जिन्होंने लॉकडाउन के बारे में भी बड़ी अच्छी बातें की और हमें खूब एंटरटेन भी किया, अपने सफर के बारे में भी बताया. बने रहिए टीवी एनआरए के साथ. थैंक यू सो मच अश्नूर.